राम राम सभी को। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दिन संडे का टाइम 7:15 हो रहे हैं। पहले कपड़े मशीन लगा के आई हूँ, फिर अपना पानी रख के गई थी मैं। इतना थोड़ा गर्म हो जाएगा, मैं मशीन में कपड़े लगाए आती हूँ। संडे को थोड़ा लेट उठती हूँ, रेस्ट करती हूँ उस दिन ना, अपनी नींद पूरी कराया करूँ संडे वाले दिन। ये मैंने अपना उड़ेगा छान लिया है। थोड़ा बेटा ले लेता है, वैसे तो लेता नहीं, पर यूं जूस बनाया हुआ वो ले लेता है। आंवले को ना चटनी वगैरह में नहीं लेता, थोड़ा कोसा बनाकर ना रखना, पानी पी लेती हूँ मैं। कपड़े लगाया ही, आज लतीता छुट्टी पे है तो आज घर के भी सारे काम करने हैं। पहले अपने ये निपटाऊँ किचन के साथ के साथ, फिर बाहर को करूँगी झाड़ू पोछा। पर मौसम आज धुंध है, शीशे में को दिखाई दे रहा है, धुंध सी का मौसम है, धुंध हो रही है आज। तो ले लेती हूँ मैं अपना बैठ कर ना, थोड़ा गुनगुना ही लिया करूँ। सुबह मॉर्निंग में तो गुनगुना होता है मेरा। 2 गिलास हो जाते हैं, एक ये डाल दिया, एक ये थोड़ा ठंडा हो गया, अभी इसको गर्म करूँगी। संडे को सारे ही लेट उठते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ मैं क्यों जल्दी उठूँ, और 7 बजे उठ के जिसमें से काम भी हो जाते हैं फिर। आज तो 7 उठे हो ना, पिछले संडे तो बिल्कुल कई बार तो 7:30 उठा करूँ। आज यूँ था घर के काम भी करने हैं, झाड़ू पोछे भी करने हैं, एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ मैं संडे को, फिर थोड़ा शरीर को रेस्ट चाहिए। फिर एक्सरसाइजों में ना जो भी स्ट्रेचिंग होती है, मैं कार्डियो भी करती हूँ और सब कुछ करती हूँ, थोड़ा मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं जी। राम राम। टाइम हो गया 9:30, आगे को झाड़ू पोछा कराई, अब अंदर का रह गया और किचन का भी काम निपटा दिया, आटे उट्टे लगा दिए। 9:30 हो रहा है, क्यों लंच व्रंच इकट्ठा ही करवा दूंगी, संडे को तो ये चलता है। और इधर से कपड़ों से फ्री हुई हूँ, ये रखा है, अब इनको सुखा के आऊँगी। पहले लेकर जाना इतने सिर पर उठा कर ना, फिर तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों पर चढ़ना, ये भी बहुत बड़ा काम है। सब गए थे पनीर लेने, अब तक नहीं आई, इंतजार में है ना। मैं आएंगे तो जब भी फिर बनाएंगे, कुछ ले आएंगे जब। मैंने अपनी तरफ से तो अपने तो काम सारे हो रहे हैं, बथुए का रायता बना रखा है, आटा लगा रखा है और सारी चीज़ें तैयार हैं। जब भी आएंगे इतने बीच में जाकर ना, और कपड़े सुखा के आते हो ना, आएंगे तो इतने फिर और कुछ करूँगी। तो चलो चलते हैं अपने छत पर, टेरिस पर, अपने पेड़ पौधों को भी देख के आते हैं। एक तो राउंड लगाए आई थी मैं, दो एक दो गन्ने चूसते और छिलके पड़े थे, वो लेकर उनमें आग लगाई नीचे। और एक बार वैसे देख के आई थी, पौधे लगाऊँ थे जो बोगनविलिया मंगवाए हुए थे, तो मैं लगाने लग रहे थे, गमले दे के आई थी, सेट करवा के आई थी, तो मैंने मैं लगा दो, तो 2 राउंड तो मेरे हो लिया, भैया तीसरा राउंड है। दिन में वो 10-12 चक्कर लगते हैं तीसरी मंजिल तक। सुबह सुबह सारे फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं। एक बेड सा बनाऊँगी ना इनका, एक जगह इकट्ठे करूँगी। अब इनको लग गए सारे, बस यहाँ 2 रह रहे हैं गुलदावरी के, इनको और करके नर फिर करती हूँ सभी को। इनकी आज अब करूँगी, दिन में करूँगी, आज इनका लगा दूँगी ना किसी न किसी में। तो फिर एक जगह इन्हें सारे फूल वाले यूँ खिले हुए ना अच्छे लगेंगे, जैसे यहाँ रखे हुए अच्छे लग रहे हैं ना, फिर रखूँगी। इतने पनीर में बनाता है, पनीर को चाय रेडी करता है, इतना फिर मैं अपना ये खा लेती हूँ खाली पेट, ड्राई फ्रूट ना जो मैं खाती हूँ, 2 अंजीर 5 बादाम 1 अखरोट और 5-4 किशमिश है, ये होता है मेरा सुबह खाली पेट का ना। फिर टाइम हो गया था 10:30 बजे, तो मैं लगी थी मेथी के परांठे बनाने। मेथी के परांठे में पनीर डाल कर ना, सिंपल आटे में इनके तो मेथी के परांठे में पनीर डाला था मैंने अपना। फिर मल्टीग्रेन बनाया था, तो पहले ही इन्हीं का ही नंबर आया हुआ था, तो आज सभी बोले पनीर वाले परांठे चाहिए हमारे को, तो पनीर के ही दिए थे। फिर मेथी का आटा मैंने भिगो दिया था, मैं चलो मेथी वाले में ही डाल दूँ। और पनीर में प्याज का तड़का लगा कर, अदरक और लहसुन हरी मिर्च डाल कर ना भुजी ही बना ली थी। फिर मैं अपने लिए मल्टीग्रेन आटा बनाने लगी थी, जिसमें 1-1 चम्मच मैंने 3-4 तरह के आटे मिला दिए थे, और अजवाइन जीरा पाउडर और नमक डाल कर और मेथी डाल कर और गूंथ दिया था। फिर अपना मल्टीग्रेन पनीर का परांठा, प्रोटीन एच टूटे है ना, जो है ओट्स है, थोड़ा बाजरे का भी है, गेहूँ भी है, कई आटे मिला कर और मेथी मिला कर और साथ में बथुए का रायता, यो अपना ब्रेकफास्ट आज। हाँ जी, राम राम। टाइम हो गया 12 बजने वाले हो रहे हैं, 10 मिनट रह रही हैं आज तो, और काम लगी हुई हूँ। अपना पोछा लगाना रह रहा है, ये रखी है बाल्टी, इधर ही बाल्टी और पोछा ये रखे हुए हैं। मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, ग्रीन टी लेकर ना आई हूँ, ना तो ठंडी हो जाती है और टाइम भी हो लेता मेरा, वैसे भी हो गया 1 घंटे से ऊपर ही हो गया ना, साफ सफाई में लगी। कपड़े तो बाद में उतार के ले आऊँगी, गई तो मैं शकरकंदी बोने के लिए थी, यहाँ नीचे शकरकंदी कल बॉयल करने लगी थी, तो वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी जड़ें निकाल रही है, मैंने पोलोथीन में छोड़ दी थी मैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, इनसे हाथ से भी बड़ी बड़ी वो निकाल रही है जड़, तो उनको बोने के लिए गई थी। ऊपर मेरे को मिट्टी नहीं बनी मिली और ना ही कुछ खाली मिला जिसमें मैं उनको लगाती,
तो मैं इसमें तो टाइम लगेगा, और बेटा जल्दी कर रहा था, जल्दी नीचे जाओ जल्दी नीचे आओ, तो मैं इसलिए मैं नीचे उनको बाद में लगाऊंगी। यूं ही पोलोथीन में छोड़ आई मैं शकरकंदी, उन्हें 3 शकरकंदी निकाल रही हैं जड़ें बहुत लंबी लंबी, तो मैं उनको बाद में करूंगी, आज होगी तो आज ना कल। एक बार कपड़े उतारने जाना है, देखूंगी जब मिट्टी घाट बनाने का टाइम हुआ तो लगा के आऊंगी, ना हुआ तो फिर कल देखूंगी। आज तो वैसे भी काम करे मैं लेट ही थी, ज़्यादातर लेट ही थी आज तो, क्यों 12:30 बजे तो निमटी ही थी, फिर गई थी अभी 1 बजे, 15-20 मिनट हुई थी मेरे को छत पर गई हुई। खाऊंगी नहीं क्यों, परांठा खा लिया था प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा, मैं तो हेल्दी खा लिया था ना सुबह, आज बनाती हूँ स्मूदी स्ट्रॉबेरी और कीवी, थोड़ा खट्टा मीठा हा करूँगी क्योंकि कीवी ज़्यादा खट्टी होती है, खजूर मिला दिए दो, थोड़े सीड्स पंपकिन सीड्स डाल दिए, लो फैट दूध मलाई उतरिया होया, और अब इसको कर लें ब्लाइंड। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैवी हो गया ना, पूरा प्रोटीन रेस था, मेथी पनीर परांठा पालक भी डलकन हो जाता, पालक पनीर भी, और अब खाने को मन नहीं था, पेट भरा हुआ था, थोड़ी कीवी रह गई है पेसनी, तो कोई नहीं वो तो पीस आ जाएगा। तो इस तरह स्मूदी बना के ले सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करा करूँ, अगर सुबह मेरा हैवी हो जाए तो दिन में फिर मैं लाइट रख लेती हूँ अपना, क्यों ठुके रहने से भी वेट लॉस नहीं होता अपना, ठीक है। नॉर्मली जो चीज़ हेल्दी चीज़ें खाओ, जिस चीज़ का मन करता है, और वेट लॉस करो। मेरी स्मूदी वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता भूखा मरना है, हेल्दी चीज़ें हैं अपना खाओ, ठीक है। एक बार आपका हैवी हो जाता है तो दूसरी बार उसको लाइट कर लो, तो मनपसंद चीज़ें जब तक नहीं होएंगी तब तक तो होएगा भी नहीं, अब बोरिंग सा खाना खाते रहेंगे तो उनसे तो कभी होएगा भी नहीं। तो एक बैंड में कविता बार बार पूछती है दीदी आपका कितना वेट लॉस हुआ है, मेरा बहुत हो रहा है, तो मैं तो अब वैसे ही लग रही हूँ, मैंने तो अब 2 किलो और करना है अपना, और मेरा इंचों का देख सकते हैं, ले मेरे इंचों वाली हालत देख लो, सूट देख लो मेरे, तो ये चीज देख जाएगी। वो नहीं है मैं फिर वो वीडियो को एडिटिंग करके ना फोटो को वो लगाऊंगी एडिट करके ना, एक मोटा लगाऊंगी एक पतला लगाऊंगी, वो नहीं लगाऊंगी, एक्चुअली मैं जो चीज़ है वो दिखा रही हूँ। अब इतनी मैंने वो ली है ग्रीन सब्जियां और रखी, ब्रोकली है, बीन्स है, चुकंदर है, आंवला है, गाजर है, और ऊपर स्ट्रॉबेरी, कीवी, केला, चीजें सारी मैं हेल्थ दिखा रही हूँ। अब इतना लेके आई हूँ, सब्जी वाला अब देखे गया है और उसको भी पता है मैं क्या लेती हूँ, क्यों कुछ मेरी अपनी ऑर्गेनिक है, और जो वो उसकी ऑर्गेनिक होती है वही वो देखा जाता है जिसमें कम स्प्रे होता है, ये चीजें मैं खाती हूँ। हाँ मेरा जो मन करता है मैं वो खाती हूँ, कभी किसी चीज को मन कर गया, जैसे अब ये होगा इसमें खजूर डाल दिया, दूध था, दूध मेरा इस तरह स्मूदी में 2 बार हो जाए क्या पता, फिर बेटा बनाए तो उसमें भी ले लूँ मैं, उस वाला भी ले लेती हूँ। हाँ रात वाला मैंने छोटा हुआ है, रात को मैं सोते वक्त नहीं लेती, उस टाइम मेरी रात की जो बेड टाइम के बाद होती है वो ग्रीन टी होती है, उस टाइम वो लेती हूँ। ये रात का डिनर है भाई अपना, मैंने अपना डिनर बना दिया है, ये रात का मैंने अपना डिनर बना दिया है, किनवा है, सारी वेज हैं, सारी वेज में ब्रोकली है, बीन्स है, गाजर है, कॉर्न है, और थोड़े है पनीर के पीस मिला दिए, एक हेल्दी हेल्दी और टेस्टी वाला मेरा डिनर तैयार हो गया है। तो अब मैं करती हूँ, क्यों सैर सूर मैं कर आई थी, तो मैं अगर मैं बीच में कुवाती हूँ बताती हूँ, अब मैंने चाय पी है, ये करा है, तो मैं डिनर दिखाना चाह रही थी, क्यों 1-2 दिन हो गया था डिनर नहीं डला हुआ था, तो फिर कई बार कमेंट आ जाते हैं आपने डिनर का तो नहीं दिखाया, डिनर का मेरा ये है। तो इस तरह वेज ज़्यादा होती हैं तो फिर मैं कुछ ना कुछ मिला लेती हूँ, या इसके अंदर फिर या फिर मैं इसके अंदर ओट्स मिला लेती हूँ, ओट्स मिलाती हूँ, यू जब यूँ कहते हैं कि हम भी खाएंगे घर में, जैसे बेटा है हस्बैंड है वो बोलते हैं, तो मैं उनके लिए भी बना देती हूँ, आज बोले कि हम नहीं खाएंगे तो आज नहीं बनाया, तो आज मैंने अपने अपने लिए बना दिया। किनवा को मैं कई बार बॉइल करके ना रख लेती हूँ, तो जिस तरह सैलेड भी बनाना हो सब्जियों में 2 चम्मच डाली और वो सैलेड बन जाता है, आज ये चावल भी बन गए तो आज चावल बना लिए, तो इस तरह मैं करके रखा करूँ। अकेली में यूँ भी नहीं होगा कि अकेली ने मैंने बॉइल्ड करा है तो 2-3 दिन चल जाता है किनोवा वाला जो मेरा है। रात को ग्रीन टी होती है, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक राम राम।